किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अभी जो बीमारी जो चल रहा है, जिसको बोलते हैं लाल मकड़ी, बोलते हैं माइट, बोलते हैं और बाली ब्लास्ट, अभी जो जो अभी चल रहा है लगभग सभी खेत में है, तो लाल मकड़ी के लिए, माइट्स वगैरह के लिए जो डलवा रहे हैं, और जो दवाई के बारे में बता दें, जो दवाई डाल रहा है इथियान 50% प्लेन डलवा रहे हैं, वो फेल हो रहा है, और साथ में प्रोपागाइड वगैरह भी जो है 57% वो भी फेल हो रहा है। तो थोड़ा सा हिसाब से डालिएगा, कोई अच्छी दवाई डालिएगा, थोड़ा सा हैवी रेंज में डालिएगा, क्योंकि अभी तो लगभग किसानों का यही शिकायत आ रहा है कि थियान 50% डाला है या प्रोपागाइड डाला हुआ है तो वो फेल हो रहा है। तो आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग भी थोड़ी ना डाले हैं इथियान साइपर, इथियान 50%। अगर डाले होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने खेतों पर जाकर रिसर्च कीजिएगा कि इसमें बढ़ थोड़ी रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो आप दूसरा दवाई तुरंत डालिएगा, इसके भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि जब दवाई फेल होता है तो हमें उस दवाई के ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और कोई भी किसान भाइयों को ये पता है कि उसके खेत में अगर कुछ अच्छी दवा डाला हो तो कौन सा दवा डाले जिसमें माइट में भी, अभी के समय में बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो इथियान जो है 50% पहले काम अच्छा करता था, लेकिन अभी जो मौसम के जो है गर्मी टेम्परेचर हाई है, जिसके कारण से नहीं काम कर रहा है, और ये कई कारण भी हो सकता है जो नहीं काम करने का। तो प्रायतर किसानों को यही शिकायत आ रहा है कि 50% इथियान डालें तो काम नहीं किया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने डाला है इथियान तो काम किया या नहीं किया, अगर और आपने ये इसके अलावा दूसरी दवाई डाले तो उसमें क्या रिजल्ट आया, कौन सा फार्मूला डाला था, और अगर जो अच्छी फार्मूला का हो, जो उसमें आपके खेत में रिजल्ट आया हो, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा फार्मूला आप डालें तो अच्छा रिजल्ट आया। ताकि हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी दवाई उपलब्ध हो और अलग अलग जगह से जानकारी मिले, जिसके कारण से किसान को आसान रहे। क्योंकि क्या होता है कि किसी विशेष जगह पे विशेष दवाई बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आप लोग जितने दूर से देख रहे हो सके, आप लोग तरफ में बहुत अच्छी दवाई मिल रहा हो और जो हमारे संपर्क से दूर हो, क्योंकि हम भी कोई भगवान नहीं है ना हम कोई विशेष नहीं है, हम भी आप आम आदमी ही हैं। इसमें क्या होगा कि आपके यहाँ पे कोई विशेष दवाई अगर चल रहा है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो हम भी उसको यहाँ पे किसानों को प्रमोट करेंगे, और अलग अलग जगह से किसान जुड़े हैं तो उनको, वो भी अपने आसपास में वो दवाई उठाएगा, मतलब खरीदेगा और अपने खेत में डाल करके ये जो बीमारियाँ जो चल रही उसमें कंट्रोल के लिए डालेगा, जिससे कंट्रोल हो और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।